नमस्कार, आज हम आप सबके सबके सामने दिल्ली महिला आयोग के पिछले 8 सालों के कामों का वर्णन रख रहे हैं। हम एक रिपोर्ट भी रिलीज करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में 1,70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स के ऊपर कार्यवाही करी है। 500 से ज़्यादा रेकमेंडेशन सुझाव हमने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को पिछले 8 सालों में दिए हैं। 60,000 से ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करी है दिल्ली महिला आयोग ने, और 2,00,000 हियरिंग्स में, कोर्ट हियरिंग्स में उनको हमारी लॉयर्स ने मदद करी है। 8,000 से ज़्यादा विक्टिम कॉम्पनसेशन एप्लीकेशंस दिल्ली महिला आयोग के लॉयर्स ने अलग अलग सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए पिछले 8 सालों में मूव करी है कोर्ट्स के अंदर। 30,000 FIRs सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर दिल्ली महिला आयोग के द्वारा करवाई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। 41,00,000 कॉल्स दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन में रिसीव हुए हैं, हमने अटेंड करी हैं ये कॉल्स पिछले 8 सालों में। 2,500 से ज़्यादा लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से हमने रेस्क्यू करा है, और हमारे मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम ने 2,60,000 से ज़्यादा ग्राउंड की विजिट्स करी हैं जिसमें हम महिलाओं तक और बच्चियों तक पहुँचे हैं और उनकी मदद करी गई है। 2,00,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स तो हमारी महिला पंचायत सेंटर्स में ही रजिस्टर हुई हैं, तो अगर टोटल मिला के देखें तो 3,70,000 कंप्लेंट्स के ऊपर दिल्ली महिला आयोग ने 8 साल में काम करा है। 50,000 से ज़्यादा कम्युनिटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी गई हैं। 3,000 केसेस तो हमने साइबर क्राइम के ही हैंडल करे। तो दिल्ली महिला आयोग 24 घंटे दिन रात काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस को कई हज़ारों नोटिसेस करे हैं दिल्ली महिला आयोग ने, और मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि जब दिल्ली पुलिस फेल हो जाती है तब भी दिल्ली महिला आयोग काम करके FIR भी दर्ज कराता है और अरेस्ट भी कराता है। चाहे अगर आप देखें तो अंजलि का केस देख लीजिए, सुल्लीबाई बुल्लीबाई देख लीजिए, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिसमें दिल्ली महिला आयोग की इंटरवेंशन के बाद ही एक्चुअली में काम हुआ, FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ। एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में, देश की राजधानी में बर्बरता से बलात्कार करा गया था। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने उस लड़की की बहुत मदद करी, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं रुके। मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी बैठी रही, और उसके बाद केंद्र सरकार को देश में ये कानून बनाना पड़ा कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। दोबारा अनशन पे बैठी, 13 दिन तक ये अनशन चला, और उसके बाद केंद्र सरकार को बहुत सारे बातें माननी पड़ी, पुलिस संसाधन बढ़ाने से लेके, पुलिस की जवाबदेही तय करने से लेके, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाने से लेकर। तो ये सारा काम दिल्ली महिला आयोग ने करा है। मणिपुर की लड़कियां हो चाहे उन्नाव की लड़की हो, देश में जब जब कहीं पे रेप हुआ, कहीं पे ज्यादती हुई महिलाओं के साथ, दिल्ली महिला आयोग उन लड़कियों के साथ खड़ा रहा। मणिपुर गए, अकेले गए, बिना किसी सिक्योरिटी के गए, और उन लड़कियों तक पहुंचे जिनके पास वहां मणिपुर का तो छोड़ दीजिए, केंद्र का भी कोई भी सरकारी ऑफिसर या नेता नहीं पहुंचा था। जीबी रोड हो चाहे स्पा हो, जहां जहां सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस आए, दिल्ली महिला आयोग वहां अंदर घुसकर लड़कियों को रेस्क्यू कर आया, और ये बहुत बड़ी बड़े माफिया के साथ डायरेक्ट टक्कर ली, चाहे वो इल्लीगल लिकर बेचने वाले हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल रैकेट्स हो, दिल्ली महिला आयोग बिल्कुल नहीं डरा। तो हम डरे नहीं, हम रुके नहीं, और हम झुके नहीं, और आज इसीलिए दिल्ली महिला आयोग का नाम सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में स्थापित हुआ।